बबीना विधानसभा के ग्राम चमरौआ के अंदर आजाद समाज पार्टी झांसी से जिला अध्यक्ष सोनू कुमार, जो अपने आप में दलित लिखते हैं, बता दें आपको इनसे चर्चा करेंगे कि आखिरकार जो सीट इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद जी ने लोकसभा सांसद जिला बिजनौर से नगीना लोकसभा से सांसद बन के दिखाया है, परंतु बात यह है कि झांसी के अंदर आजाद समाज पार्टी ताकत क्यों नहीं दिखा पा रही है, आखिरकार क्यों यहां से भी लोकसभा प्रत्याशी नहीं उतारा है, कितनी ताकत है जिला अध्यक्ष जी से पूछेंगे, सोनू कुमार दलित जी से, वर्चस्व क्यों नहीं दिख रहा है झांसी के अंदर आजाद समाज पार्टी का। सोनू, बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा देवेंद्र भाई कि आपने जो मुझे इस लायक समझा कि आप आज मेरे साथ यहाँ बैठे हैं। आपके सभी दर्शक जानते होंगे कि जो आपने हमसे सवाल पूछा है कि झांसी में वर्चस्व क्यों नहीं दिखा पा रही पार्टी, तो मैं आपको बता दूं, देखिए कि पार्टी का जो प्रचार प्रसार कैसे होता है, एक माध्यम होता है, एक प्रिंटिंग माध्यम होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया होती है। आपने देखा होगा कि हमने झांसी में कम से कम 2 साल से लगातार काम कर रहे हैं, 2 साल से मैं सम्मानित पद पर नियुक्त हूँ, 2 साल से लगातार काम करते जा रहे हैं। गांव गांव में हमारी टीम है, ऐसा कोई गांव नहीं है, झांसी में 4 विधानसभाएं हैं, चाहे तुम मऊरानीपुर चले जाओ आप, चाहे बबीना चले जाओ, चाहे गरौठा चले जाओ, हर जगह हमारी पार्टी है, हर जगह हमारा संगठन है। लेकिन झांसी में क्या है कि आपने देखा होगा लगातार हम कई मुद्दों पर लगातार आंदोलन करते हैं, चाहे वो हमारे समाज को न्याय दिलाने के लिए हो गया, चाहे कहीं जैसे देखा होगा कि कहीं हमारे समाज की जमीनों पर कब्जा है, कहीं हमारे समाज को न्याय नहीं मिलता, उनकी जमीनें दबाई हुई हैं भूमाफिया, और हमारे समाज पर लगातार अत्याचार करते रहते हैं लोग, तो हम लोग लगातार इन सभी संबंधों में डीएम साहब को ज्ञापन देते रहते हैं, एसएसपी साहब को ज्ञापन देते रहते हैं, लेकिन कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि हम बाइट भी देते हैं, लेकिन कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि किसी पोर्टल न्यूज वाले ने या किसी टीवी न्यूज वाले ने हमारा जो इंटरव्यू जो बाइट है वो दिखाई है। यदि देखिए प्रचार प्रसार का माध्यम क्या होता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसको हम सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाएं। तो ये काम होता है आप जैसे होनार मीडिया वालों का। झांसी में आप सभी जानते हैं कि मीडिया का क्या हाल है, आप एक ईमानदार पत्रकार हैं, आपने समझा कि नहीं हमारी जो पार्टी है आजाद समाज पार्टी, हमारे आजाद समाज पार्टी के जो मुखिया हैं चंद्रशेखर आजाद, तो वो लगातार दलित समाज हो, बहुजन समाज में कोई भी समाज हो, सभी के लिए मेहनत करते हैं, सभी के लिए कार्य करते हैं। तो आपने देखा होगा कि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी भी 7 से 8 साल 9 साल से मेहनत कर रहे हैं, जब अभी जाकर सांसद बने हैं तो अभी मीडिया ने उन्हें मतलब टीवी पर लाई है। आपने कभी नहीं देखा होगा, आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था 12 फरवरी को भोपाल में, एक ऐतिहासिक आंदोलन रहा वो वर्तमान इस भारत देश में, आज से इससे बड़ा आंदोलन अब तक नहीं हुआ। लेकिन क्या आपने देखा किसी मीडिया पर ये दिखाया गया हो? आप पत्रकार हैं, आप जानते हैं इस बात को। तो सोशल प्रचार प्रसार की बात यही कहेंगे, हमारी आजाद समाज पार्टी बिल्कुल कमजोर नहीं है झांसी में, गांव गांव में हमारे कार्यकर्ता हैं, बबीना ब्लॉक हो चाहे वो बड़ा गांव ब्लॉक हो, चाहे झांसी जिले में 8 ब्लॉक हैं, ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है जहां हमारी पार्टी का वर्चस्व नहीं है, हर जगह हमारी पार्टी है। बस प्रचार प्रसार की रही बात, तो हम लोग अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे खुद के पर्सनल अकाउंट हैं, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इसके माध्यम से हम अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं, जिस व्यक्ति की मदद करते हैं वो भी हम अपने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं कि जिससे लोग जिससे जो जरूरतमंद लोग हैं वो हमसे जुड़ सकें, जिन्हें हम अपना एक नंबर भी पर्सनल नंबर जारी करते हैं, पर्सनल नंबर सोशल मीडिया पर डालते हैं जिससे कि लोग हमसे संपर्क कर सकें। जैसे मान के चलिए हमारे पास रात में 9, 9, 10, 10, 11, 11 बजे एक डेढ़ बजे तक फोन आते हैं, तो हम एक डेढ़ बजे पीड़ित परिवार के घर जाते हैं, उनकी मदद करते हैं। सोनू कुमार दलित अपने आप में लिखते हैं, जिला अध्यक्ष हैं आजाद समाज पार्टी से, बता दें आपको निरंतर आजाद समाज पार्टी काम करती है, गांव खेड़ों में काम करती है। अभी हाल ही में 2 साल पहले एक मुद्दा हुआ था शिवपुरी के, एक दलित कांड हुआ था, उसमें भी आजाद समाज पार्टी भोपाल क्या हिंदुस्तान के अनेक अनेक कोनों से आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता वहां आते, उन्होंने आवाज उठाई उस दलित
वाल्मीकि समाज की मदद की, उसको न्याय दिलाया। सोनू झांसी के अंदर कितने लोग की टीम है आपकी, वो कैसे काम कर रही, कैसे न्याय दिलाते लोगों के बीच में जाता? देखिए मैं बता दूं, झांसी में हमारा एक बहुत ही जागरूक टीम है, जिससे हम ये कहेंगे कि चाहे वो झांसी का कोई सा भी गांव है, कोई सा भी गांव हो, और हमारे लोगों को जब पता चलता है कि यहाँ ये घटना हुई है, अभी हमारे पास आज ही एक फोन आया कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उन्होंने बताया कि हमारी बहन के साथ मारपीट की है कि कुछ लोगों ने, तो हमें न्याय नहीं मिल रहा है, जबकि उनके पास एक जो वीडियो है वो तक मौजूद है। तो हमने उनको बुलाया है, पहले मैटर समझेंगे। ऐसे ही जब हमारे पास कहीं से भी फोन आते हैं, हम अपना वो अभी बताया मैंने आपको कि हम एक अपना पर्सनल नंबर जारी करते हैं, तो लोग उस पर अब मदद के लिए फोन करते हैं, रात में हो चाहे दिन में, हमारा 24 घंटे मतलब नंबर वो चालू रहता है। कभी भी किसी व्यक्ति का फोन आता है तो, या हमारे पास डायरेक्ट फोन आता है तो हम अपने कार्यकर्ताओं द्वारा, और हमारे जो कार्यकर्ता हैं सभी लोग, अब जैसे मान के चलिए हमारा कोई ब्लॉक अध्यक्ष है या विधानसभा अध्यक्ष है, तो जैसे मान के चलिए बमीना के विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो बमीना में कोई घटना घटेगी तो सबसे पहले जो लोग हैं जो हमें नहीं जानते, मान के चलिए बमीना विधानसभा में हम मतलब हमसे संपर्क नहीं है, जानते तो हैं लेकिन संपर्क नहीं है, पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो वो हमारे कार्यकर्ताओं को फोन करते हैं। जब कार्यकर्ताओं को फोन करते हैं, कार्यकर्ता का फोन हमारे पास आता है। हाँ देखिए, मैं भी एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं भी अपने आप को एक कार्यकर्ता इसलिए मानता हूँ क्योंकि अभी हमारे पास वो राजनीतिक पावर नहीं है कि जिससे हम अपने लोगों को वो सारी सुविधाएं उपलब्ध करा सकें जो हम करा सकते हैं, आप सभी जानते हैं। तो हमारे पास जब फोन आता है तो हम सीधा पीड़ित परिवार से संपर्क करते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं, उनके साथ क्या घटना घटी वो जानकर उनकी मदद करते हैं, उनकी मदद और जब तक उनका साथ देते हैं, चाहे वो सामने वाला जो अत्याचार कर रहा है हमारे लोगों पर, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कोई भी गुंडा हो, कोई भी हो। सोनू, अंत में एक प्रश्न करवे जा रहा है कि आखिरकार झांसी जिला के युवा व अन्य लोग कैसे जुड़े आपसे, आपकी पार्टी व संगठन में कैसे जुड़े, और कौन सा मुद्दा है का चंद्रशेखर की शकल देख के जुड़े, का आपकी देख के जुड़े, का काम है आपके मेन मुद्दा, और कैसे का लोग जुड़े आपसे? देखिए मैं आपको बता दूं कि जुड़ने की बात तो ये है कि हम जहां हमारे संपर्क हैं वहां हम खुद फोन करते हैं, और अपने जो भी हमारे समाज के लोग हैं, बहुजन समाज में 85% लोग आते हैं जिनसे हमारा संपर्क है, उनसे हम फोन करते हैं, और फोन करके हम यही बात कहते हैं कि आपके पास कोई भी समस्या हो, कभी भी हम कोई भी समस्या हो आप हमें फोन करिए, हम चाहे वो रात हो चाहे वो दिन हो, भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता समर्पित कार्यकर्ता है, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता एक एक समर्पित कार्यकर्ता है, चाहे वो किसी भी समय किसी भी व्यक्ति का उनके पास फोन आता है तो मदद के लिए हम लोग आधी रात में उनके साथ खड़े हो जाते हैं, जो परिवार पीड़ित परिवार होता है। अब रही जुड़ने की बात, देखिए चंद्रशेखर आजाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनका नाम छुपा नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे वो अन्य राजनीतिक दल हो, अन्य संगठन हो, या भारत का कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी कार्यकर्ता हो जो राजनीतिक चीजों से जुड़ा हुआ हो, तो वो सभी उनके नाम को जानते हैं। और चंद्रशेखर आजाद हमारे एक नाम नहीं, एक ब्रांड है, उनका नाम देखकर ही लोग इस पार्टी में जुड़ते हैं, वो चाहते हैं कि झांसी जिले में जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं हम उनसे जाकर संपर्क करें, और इस पार्टी का देखिए ये पार्टी नहीं, ये हमारे बहुजन महापुरुषों का एक मिशन है। आपने देखा होगा कि मिशन की शुरुआत बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद मानवर कांशीराम साहब ने की, मानवर कांशीराम साहब ने इस मिशन को आगे बढ़ाया, और मानवर कांशीराम साहब के जाने के बाद इस समाज को कोई ऐसा मसीहा नहीं मिला जो उनके विचारों पर चल सके, जो उनके विचारों को प्रचार प्रसार कर सके, उनके मिशन को आगे बढ़ा सके। तो हमारे समाज ने, बहुजन समाज ने एक मसीहा चुना जिन्हें हम चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण के नाम से जानते हैं। वो एक ऐसा नाम है जो दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, कमीरा लोगों की एक आवाज है। लोग क्यों भाई आज चंद्रशेखर आजाद जी को पसंद कर रहे हैं, उनका एक कार्ड है, उनके पास कोई भी व्यक्ति पहुंच जाए, कोई भी व्यक्ति मदद के लिए चला जाए, उनके संगठन पार्टी की किसी भी कार्यकर्ता के पास कोई भी व्यक्ति मदद के लिए आता है तो उसकी मदद होती है। आपने देखा होगा कि जब चुनाव होते हैं तो लोग चुनाव के समय चुनाव प्रचार प्रसार में निकलते हैं, लेकिन आप पत्रकार हैं, आपने काफ़ी जगह के नाम बताए हैं, शिवपुरी हो गया और भीम आर्मी का भी नाम बताया है, पार्टी का भी नाम बताया है, तो आप जानते होंगे कि हमारी जो पार्टी और संगठन है ये 365 दिन होते हैं साल में,
तो साल में 365 दिन काम करते हैं, हर हाल में 24 घंटे काम करते हैं, कभी भी किसी व्यक्ति का फोन आता है मदद के लिए 24 घंटे में कोई भी समय हो वो खड़े हो जाते हैं। लेकिन अन्य जो पार्टियां होती हैं वो चुनाव के समय निकलती हैं। तो लोग क्यों चंद्रशेखर आजाद जी को पसंद कर रहे हैं? क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से समाज में मदद करने के लिए हम लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। वो हमारे ये समझ लो कि मार्गदर्शक सब कुछ है, हमने उनसे सीखा है, हम उनको मानते हैं, हम जानते हैं कि हमारे दलित समाज में सिर्फ एक ही मसीहा है जो हमारे समाज को इस दलदल से निकालने का काम करेंगे, वो है चंद्रशेखर आजाद। झांसी में का प्लान है कि चंद्रशेखर जी झांसी में आ जाए तो आंधी की तरह युवा? देखिए, हम लोग कई बार रिक्वेस्ट नहीं, प्रशासन से कई बार परमिशन लेने के लिए या हम बात कर चुके हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी को बुलाना चाहते हैं, तो पहले तो प्रशासन टालता है कि परमिशन ना दी जाए। अभी अप्रैल में एक साल पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बुलाना चाह रहे थे, तो हमारा प्लान हुआ था गरोठा का, तो वहाँ चुनाव क्या कहते कोई कार्यक्रम था, तो जिस वजह से झांसी में आचार संहिता लग गई। जहाँ उनका कार्यक्रम कराना था उन्होंने उनसे क्या कहते जो बाइक का स्टैंड होता ना पार्किंग एरिया बना दिया। अब देखिए आप, तो वो प्रोग्राम हमें कैंसिल करना पड़ा। ऐसे हम 2-3 बार डेट ले चुके हैं, डेट तो देखिए हमारा संपर्क है, हम अपने आपको इतना भाग्यशाली समझेंगे कि हमारा सीधा संपर्क बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी से है। और कई बार हम कोशिश कर चुके हैं अपने झांसी जिले में, लेकिन इस बार हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। बहुत ही जल्द चंद्रशेखर आजाद जी के, हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी के कदम झांसी जिले में पड़ने वाले हैं। और मैं आपको अपने आपके चैनल के माध्यम से अपने आपके सभी दर्शकों को, हमारे समाज बहुजन समाज के लोगों को बताना चाहूँगा कि बहुत जल्द बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद इस झांसी जिले की पावन धरती पर पहुंचने वाले हैं। और ये समझ लीजिए कि जो समय है वो ज़्यादा नहीं है, बहुत जल्द हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी से जल्दी बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को झांसी में बुलाया जाए, उनका कार्यक्रम करवाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सोनू कुमार दलित आजाद समाज पार्टी से जिला अध्यक्ष। इन्होंने 4 प्रश्नों का बेहतरीन उत्तर दिया, जवाब दिया कि आखिरकार आजाद समाज पार्टी में युवा क्यों जुड़े हैं। निरंतर है कार्यकर्ता, लोगों की मदद करते, चाहे आधी रात हो, थाने कचहरी कोई भी समस्या हो, चल लेते हैं लोगों की मदद करने के लिए। आशा विश्वास करते कि इसी तरह निरंतर लोगों की मदद होती रहे, लोगों को न्याय मिलता रहे। अंत में एक बात और कहना चाहेंगे आपके इस चैनल के माध्यम से कि देखिए, हमारा जो संगठन है, हमारी जो पार्टी आजाद समाज पार्टी, ये एक उभरती हुई पार्टी है। और ये पार्टी नहीं, ये बहुजन समाज के लोगों की एक आस है। आपने देखा होगा कि हमारे समाज, चाहे पार्टियां कोई भी, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे विपक्ष में, अभी जो विपक्ष में जो पार्टी, इनमें से कोई भी पार्टी हो, पार्टियां बदलती हैं, लेकिन वो दलितों की हालत नहीं बदलती। आपने देखा होगा, वही उनके पास वही मारपीट, वही उनके साथ अत्याचार, उनकी जमीनें छीनना, उनके घर पर हमले करना, उनकी बहन, हमारे समाज की बहनों महिलाओं के साथ बदतमीजी करना, लगातार मारपीट करना, ये सब चलता रहता है। तो मैं उन बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि देखिए, वर्तमान में जो पार्टी है आजाद समाज पार्टी, कोशिश कर रही है, काम कर रही है, लोगों तक पहुंच रही है। मैं चाहूंगा लोगों से कि इस पार्टी को जुड़े। तो मैं बहुजन समाज के लोगों से खासकर से कहना चाहूंगा कि आज आप बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का हाथ पकड़ लीजिए, जीवन भर आपको किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा मसीहा सिर्फ एक ही है। और बहुत आप, मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात पूरा बहुजन समाज कहता है कि दलित समाज में सिर्फ बहुजन समाज में सिर्फ एक ही मसीहा है, वो है चंद्रशेखर आजाद, जो सबके हक की बात करते हैं, सबके लिए अधिकारों की बात करते हैं। चाहे भारत में कोई सा ऐसा मुद्दा आया हो जो सरकार ने हमारे खिलाफ पास किया हो, उसके खिलाफ आवाज उठाई है। आपने देखा होगा 69,000 शिक्षकों की भर्ती हो, अभी आपने नीट का एग्जाम की हालत देखी ली है। आज तक भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि जितनी सीटें नहीं हैं उतने लोग पास हुए हैं। अब आप समझ सकते हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है,
ये लोगों की जड़ें काटने का काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी को जिन्होंने हमसे संक्षेप में बात कही और पूरा यथार्थ व्यथार्थ सब पूरा बता दिया कि आकर कर क्यों मजबूत है आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी संगठन मेहनत कर रहे हैं निरंतर, आशा करते हैं कि और ऊंचाई ऊपर इनकी पार्टी और ये लोग सब लोग टीम बनकर मेहनत करें और आगे बढ़े। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।